धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर स्थित पितरेश्वर हनुमान धाम से एक पेड़ माँ के नाम अभियान का आगाज हो चुका है, जहां साधु संतों की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान साधु संतों ने वृक्षों का महत्व समझाते हुए शहरवासियों से पौधारोपण करने की अपील की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हुआ आगाज, साधु संतों की उपस्थिति में हुआ अभियान का आगाज, साधु संतों ने दिया पौधारोपण का संदेश। पितरेश्वर हनुमान धाम पर आयोजित अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में महामंडलेश्वर माँ कनकेश्वरी देवी, अशोक गिरी महाराज, निराहारी संत दादा गुरु जी समेत तमाम साधु संत मौजूद रहे। संतों की उपस्थिति में शुरू हुए अभियान में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारम्भ किया है। इस दौरान साधु संतों ने वृक्षों का महत्व समझाते हुए शहरवासियों से पौधारोपण करने की अपील की है। तो मैं 2010 से एक नारा दिया कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं, तब आओ पेड़ लगाएं हम। मुझे एक नाम से और देश में जानते हैं लोग, एनवायरनमेंट बाबा के नाम से। हमारी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा। मैं आज विजय बाबू से बता रहा था कि जब वो यात्रा हमने आरम्भ किया था तो संतों के सानिध्य में वो यात्रा आरंभ हुई। इस शौक में किया गया कि दोपहर में जो प्रसाद बनेगा बन में बगीचे में बनेगा, लेकिन मैं वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक गया और मुझे कहीं एक वृक्ष भी नहीं मिला कि हम लोग वृक्ष के पास भोजन प्रसाद बनाए और भगवान को भोग लगाए। कहीं नहीं कहीं किसी के घर में ही बनाना पड़ा। तो दो वृक्ष लगाने का ही संकल्प होना चाहिए सबको जीवन में। और सनातन धर्म का एक बड़ी मान्यता है कि अंतिम संस्कार के लिए भी एक लकड़ी चाहिए और एक ऑक्सीजन के लिए चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन संसार में जो है पीपल का पेड़ देता है, वो 100% ऑक्सीजन देता है, और नीम और पट वृक्ष जो है 80% देता है। तो संत महापुरुष तो सभी होंगे हाथ से, करीब करीब ऐसा कोई संत महापुरुष यहाँ नहीं होगा जो उपस्थित, जिनके हाथ से पीपल के पेड़ नहीं लगे होंगे। लगभग सभी के आश्रम में पीपल के पेड़ हैं। तो वो सभी अपने शिष्यों से कहें कि दो वृक्ष लगाए जाए इस देश में, और जब पर्यावरण बचेगा ना तभी संस्कार संस्कृति सभ्यता जो तमाम हमारे महापुरुषों ने बोला, आने वाले पीढ़ियों को हम लोग क्या देंगे? सिर्फ यही ईंटा पत्थर देंगे, बड़े बड़े आश्रम छोड़ के जाएंगे? जब ऑक्सीजन शुद्ध होगा तभी तो अच्छे से भजन होंगे ना। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम में सभी संत महापुरुष आए हैं, और विजय कैलाश वर्गी जी को तो मैं आज से नहीं ऐसे अनंत कालों से जानता हूँ कि ये संतों की बड़ी सेवा करते हैं। इनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए इनका यह कार्यक्रम होगा। महामंडलेश्वर माँ कनकेश्वरी देवी ने मंच से संदेश देते हुए सभी से पौधारोपण करने की अपील की है। सानिध्य में जीव जगत की सुरक्षा के लिए अत्यंत दिव्य, अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक संकल्प जहाँ पर आज लिया जा रहा है, 51 लाख पेड़ लगाने का, ऐसे अवसर पर इस दिव्य मंच पर, इस अध्यात्म मंच पर विद्यमान आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्री अरुणदेव जी महाराज श्री एवं मंचा सिंह एवं सम उपस्थित सभी संत विभूतियों के श्री चरणों में नमन। जैसा कि हम सब ने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने विचार दिया एक पेड़ माँ के नाम, ये विचार पूरे देश के लिए दिया है, लेकिन इस विचार को साकार करने में अगर सर्वोपरि कोई रहेगा, जिसका नाम रहेगा, तो निश्चित रूप से वो नाम कैलाश विजयवर्गीय जी का होगा, रमेश मेंदुला जी का होगा, इंदौर के महापौर का होगा और इंदौर शहर का होगा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर स्थित पितृश्वर हनुमान धाम से एक पेड़ माँ के नाम अभियान का आगाज हो चुका है, जहाँ साधु संतों की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।